तो दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपकमिंग फोन्स इन जनवरी 2024। तो उस वीडियो में मुझे कमेंट आया कि आप 20,000 से लेके 30,000 के अंदर जो फोन्स होते हैं उनकी वीडियो बनाओ। सो इसलिए मैं आपके लिए 20 से 30,000 के बजट रेंज में स्मार्टफोन्स की लिस्ट लेके आई हूँ। एंड इवन मैं आपको वही फोन्स रिकमेंड करती हूँ जो वैल्यू फॉर मनी होते हैं या फिर जिनका कैमरा अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, स्पेसिफिकेशन आपको अच्छी मिल रही है, मैं आपको वही फोन रिकमेंड करती हूँ कि ताकि आप वो फोन्स को एक बार जरूर कंसीडर कर सके। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो बात करते हैं अपने पहले फोन की जो लिस्ट में जरूर होना चाहिए, वो है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स 030 5G फोन। सो इसके अंदर आपको 6.78 इंचेस के एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो वर्क करती है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको यहां पे मिलता है। प्रोसेसर की बात करूं तो मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 8020 है जो वर्क करती है 6nm के चिपसेट पे। Android 13 आपको यहाँ पे मिलता है जो वर्क करता है XOS 13 पे। यहाँ पे आपको LPDDR4X की RAM मिलती है एंड UFS 3.1 का स्टोरेज भी मिलता है। सो बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, तो कैमरे में यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, 108 मेगापिक्सल का वाइड है जो कि एक OIS कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है एंड थर्ड जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है। एंड यहाँ पे आप मेन कैमरे पे 4K की वीडियोस को 60fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो बात करते हैं सेल्फी कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड मिल रहा है एंड यहाँ पे भी आप 4K की वीडियोस को 60fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं, साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी है जो सपोर्ट करती है 68W के सुपर फास्ट चार्जिंग को। तो फाइनली अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, तो जो इसका 8GB रैम प्लस 256 वाला जो स्टोरेज वेरियंट है, मतलब ये मान लीजिए इसका बेस वेरियंट है, वो आपको कॉस्ट करता है 24,500 का। तो अगर आप एक कंप्लीट पैकेज फोन चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इन्फिनिक्स 030 को कंसीडर कर सकते हैं। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट फोन की, मोटोरोला H40 न्यू। मैंने अपनी और भी वीडियोस में मोटोरोला का H40 न्यू को कवर किया है एंड मैं इस वीडियो में भी आपको रेकमेंड कर रही हूं, आप डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। क्लीन UI वाला फोन है, वीगन लेदर के साथ आता है, IP68 की रेटिंग इस फोन को मिल जाती है और साथ ही इसके अंदर आपको 6.55 इंचेस की एक PoLED डिस्प्ले मिल जाती है जो वर्क करती है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे। गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको प्रोटेक्शन यहां पे मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 7030 है जो वर्क करती है 6nm के चिपसेट पे। Android 13 आपको यहां पे मिलता है। सो बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, तो कैमरे में आपको यहां पे ड्यूअल कैमरा मिलता है, जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का वाइड है और यहाँ पे भी आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है और यहाँ पे भी आप 4K की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का वाइड सेल्फी कैमरा मिलता है एंड यहाँ पे भी आप 4K की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आप दोनों ही फ्रंट एंड बैक कैमरे से 4K की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, 5000mAh की बैटरी है जो सपोर्ट करती है 68W के चार्जिंग स्पीड को और इसी के साथ इस फोन के अंदर आपको LPDDR RAM मिलती है एंड UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है एंड इवन आपको 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है और इसी के साथ आपको 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। यानी आपको यहाँ पे Android 13 तो मिल रहा है, इसके अलावा आपको 14 और 15 भी देखने को मिलेगा। एंड फाइनली अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, सो जो इसका 8GB रैम प्लस 128GB जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करता है 25,500 का। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट फोन की, ये भी मोटोरोला का फोन है एंड ये है मोटोरोला H40 और इसके अंदर आपको 6.55 इंचेस की एक PoLED डिस्प्ले देखने को मिलती है जो वर्क करती है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे और इसी फोन के अंदर आपको IP68 की रेटिंग भी मिलती है। सो बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में आपको मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 8020 है जो वर्क करती है 6nm के चिप सेट पे। Android 13 पे आप इसको वर्क करता देखोगे जो कि एक स्टॉक Android बेस्ड है एंड यहाँ पे आपको 2 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलता है, यानी आपको Android 13 मिल रहा है तो इस फोन में भी आपको 14 और 15 देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरे की, कैमरे में आपको यहाँ पे ड्यूअल कैमरा मिल रहा है, 50 मेगापिक्सल का वाइड है जो कि एक OIS कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड मिल रहा है और यहाँ पे भी आप मेन कैमरे में 4K की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का वाइड सेल्फी कैमरा मिल जाता है जहाँ पे भी आप 4K की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, 4400mAh की बैटरी है जो सपोर्ट करती है 68W के चार्जिंग स्पीड को। सो जो इसका 8GB रैम प्लस 256GB जो स्टोरेज वेरियंट है वो आपको कॉस्ट करता है 30,980 रुपीज का। सो अगर आप भी एक मोटोरोला का अच्छा फोन ढूंढ
रहे हैं 25,000 से 30,000 के अंदर, तो आप डेफिनेटली इन फोन को कंसीडर कर सकते हैं। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट फोन की, वो है IQ की तरफ से IQ Neo 7। एंड इनफैक्ट अगर मैं सच बताऊं तो अभी IQ रिसेंटली टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, सो तभी मैं आपको ये वाले IQ के फोन रिकमेंड कर रही हूं। और इसी के साथ आपको यहां पे मिलता है 6.7 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो वर्क करती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर आपको यहां पे मिलता है। बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 8200 है जो वर्क करती है 4nm की चिपसेट पे। Android 13 आपको यहां पे मिल रहा है जिसको आप वर्क करता देखोगे Funtouch 13 पे। तो बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, तो कैमरे में आपको यहां पे ट्रिपल कैमरा मिलता है। जो इसका मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का वाइड है जिसमें आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पे मैक्रो मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पे डेप्थ मिलता है, जहां पे आप मेन कैमरे में 4K की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की बात करते हैं, आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड सेल्फी कैमरा मिल जाता है जहां पे आप 1080p की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स आपको इस फोन में मिलते हैं, 5000mAh की बैटरी है जो सपोर्ट करती है 120 वॉट के चार्जिंग स्पीड को। सो बात करते हैं अब इस फोन के प्राइस की, तो जो इसका 8GB रैम प्लस 128GB जो स्टोरेज वेरियंट है वो आपको कॉस्ट करता है 24,999 का। सो अगर आप भी एक अच्छा बेस्ट स्पेसिफिकेशन बेस्ट कैमरे वाला फोन ढूंढ रहे हैं तो आप IQ Neo 7 को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट फोन की, एंड वो फोन है Realme की तरफ से Realme Narzo 60 Pro। इस फोन के अंदर आपको 6.7 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले मिलेगी जो वर्क करती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे। बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 है जो वर्क करती है 6nm के चिपसेट पे। Android 13 आपको यहां पे मिल रहा है जो वर्क करता है Realme UI 4.0 पे। एंड यहां पे भी आपको कंपनी की साइड से 2 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता है, यानी कि आप 14 एंड 15 देख सकते हैं। सो बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, तो कैमरे में आपको यहां पे डुअल कैमरा मिलता है, 100 मेगापिक्सल का आपको वाइड मिलता है जो कि एक OIS कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ मिलता है एंड यहां पे आप 4K की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की बात करूं तो आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड सेल्फी कैमरा मिलता है एंड यहां पे आप 1080p की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स आपको यहां पे मिल जाते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, 5000mAh की बैटरी मिलती है जो सपोर्ट करती है 67 वॉट के चार्जिंग स्पीड को। फाइनली अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, तो जो इसका 8GB रैम प्लस 128GB जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करता है 23,999 का। सो फाइनली अब बात करते हैं अपने लास्ट फोन की, एंड वो फोन है IQ की तरफ से IQ Z7 Pro। एंड इस IQ के फोन को रिकमेंड करना तो बनता ही था क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है 6.78 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो वर्क करती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे। प्रोसेसर की बात करूं तो MediaTek की तरफ से 7020 है जो वर्क करती है 4nm के चिपसेट पे। Android 13 आपको यहां पे मिलता है जिसको आप वर्क करता देखोगे Funtouch 13 पे। एंड इसके अलावा बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे में आपको यहां पे डुअल कैमरा मिलता है, 64 मेगापिक्सल का वाइड है जो कि एक OIS कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पे डेप्थ मिलता है एंड यहां पे आप मेन कैमरे में 4K की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का आपको वाइड सेल्फी कैमरा मिल जाता है जहां पे आप 1080p की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है एंड बैटरी में आपको 4600mAh की बैटरी मिलती है जो सपोर्ट करती है 66 वॉट के चार्जिंग स्पीड को। एंड फाइनली अब इस फोन के प्राइस की बात करते हैं, तो जो इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम प्लस 256GB जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करता है 24,999 का। सो दोस्तों ये कुछ ऐसे फोनों के लिस्ट है जो आप 20,000 से 30,000 के बीच में अगर आप कोई फोन ढूंढ रहे हो तो आप डेफिनेटली इन्हें अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। एंड इवन आप कमेंट करके ये चीज जरूर बता सकते हैं कि जो लिस्ट मैंने आपको बताई है फोन्स की, इनमें से और ऐसे कौन से फोन थे जो एड ऑन हो सकते थे। एंड इन सभी फोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।